तो फाइनली सुबह हो गई है और हम सुबह सबसे पहले उड़ के हम अपने प्लांटों के पास आते हैं, क्योंकि हमारे मायके में बहुत अच्छे अच्छे से जो है पेड़ लगे हुए, तो हम वहीं से आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ छोटे छोटे से जो है रोजेस वगैरह जो है खिले हुए हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं वीडियो, और धूप निकल आई है, कल बारिश हो रही थी, तो हम दिखाते हैं, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एलपी ग्लोबल स्कूल। कौन से क्लास में हो? फोर्थ में। बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो शाइन एलिस व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का आगाज हो गया है और घर की डस्टिंग वगैरह भी सारी हो गई है, और हमने भी शावर ले लिया है, हम फ्रेश हो गए हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसी वजह से हमने स्वेटर भी लिया है। और आज है नई बहू की जो है नई दुल्हन की रसोई की जो रस्में होती हैं वो होंगी, तो वो जो है रसोई में मीठे में बनाने जा रही हैं खीर। और शाम को है मिलाद का फंक्शन, क्योंकि पहली बार काम करने जा रही हैं, तो बहन जाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है शाम को है मिलाद का फंक्शन, तो पूरे डे में आज क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। तो यहाँ पे फाइनली नई दुल्हन आ गई है किचन में, और यहाँ पे बन रही है खीर, तो वो खीर बना रही है। और एक तरफ जो है हमने सारे जो है ड्राई फ्रूट थे वो हम रोस्ट कर रहे हैं, तो रोस्ट कर लेंगे, खीर बन जाएगी, तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि हमारी खीर यम्मी यम्मी सी बन रही है गाइस, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारी चाची जी बना रही है, जो न्यू चाची जी है वो बना रही है। अच्छा। और ये दाल मखानी अब यहाँ पर घी डाला जा रहा है। आप बोल देता तो ये खीर पूरी रेडी हो गई है, बस इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं। और ये देखिए नई बहू जब किचन में खीर बनाती है तो कितनी अच्छी लगती है किचन में, तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं। और एक तब बने हैं भटूरे, और जो छोले बन चुके हैं, तो सारे भटूरे बनने बाकी रह गए हैं, तो यहाँ पे भटूरे बन रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं आगे छोले बन गए हैं, तो ये देखिए ये छोले सारे रेडी हो गए हैं हमारे, और हम आपको चला के दिखाते हैं। बहुत बड़ा सा भिगोना है बना हुआ, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग हैं शादी के बाद, तो जानते हैं कि ज़्यादा सा मेहमान होते हैं। और ये राइस भी बन के रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह सब आ गए हैं मिलाद के लिए। और सामने दुल्हन भी रेडी होके बैठी हुई है, क्योंकि दुल्हन बैठती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे शादी में जितने भी गिफ्ट मिले थे उनकी हो रही है अनबॉक्सिंग, और जो है यहाँ पे जो नई दुल्हन और दूल्हा थे वो कर रहे हैं, और सारे बच्चे भी हैं, उसमें हमारी एलिस भी लगी हुई हैं गिफ्टों में। वाह व्हाट अ सीन। अरे इधर ही कर जाती हूं यहां पर। वेरी ब्यूटीफुल, तो प्यारा लग रहा है इसका सच में। व्हाट अ सीन। अरे हाथ हटा ना। अरे बेड़ा कर यार। वाह हमको ये मिला था। हां उन्हें पता। वाह मिठाई का डब्बा सब लोग बोलो। वाह ये तो उनके जैसा थे थी आशवप्पी जैसा। बब हाथ का हट सब लोग हाथ लो। वाह सही वाह। बंद बंद वो लाइट और म्यूजिक से बस उसके पोपो सड़कने लगती है। बंद तेरी पागल लड़कियां तुम। ये देखो ये किसका गिफ्ट था। किसका था ये? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा उसे हम लोग चोपड़ा बोलते हैं। प्रियंका चोपड़ा बोलते हैं।